कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और इस जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है। तो जीवन प्राप्त करने के बाद इस जीवन का लक्ष्य है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। अगर जीवन के साथ में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन प्रदान हो जाता है वो निशान।
Tudo bem. Quero ver aqui. Para
जप एक
Satyam
जाया पाकर राम नाम धन राज
घोर अविद्या विपद विनाशी हो गए दूर, राम नाम जो जपे कबे उसके भीतर होश कुबे, दीन दुखिया हरे भट में नाम भूल की धरिए, पूजा अंतर सुख हो करिए, आपे मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुख सुर चंकार, सुख में मन का भेद मिटाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जप में राम राम प्रभु राम, गाओ में राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम के जाप से निर्जय बन निसार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम, पवित्र पावन नाम भज के राम राम राम, पवित्र पावन नाम भज के राम राम राम, भज के राम 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 भज के राम राम राम, भज के राम 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 भज के राम राम राम, शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा धाम, शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा धाम, मुझे भरोसा तेरा धाम मुझे भरोसा तेरा धाम, मुझे भरोसा तेरा धाम मुझे भरोसा तेरा धाम, रामारे नमः श्री रामारे नमः रामारे नमः श्री रामारे नमः रामारे नमः श्री रामारे नमः रामारे नमः श्री रामारे नमः, अहं वदामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं वदामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं
बहुत कम समय होते हैं जब हमारे पास बोलने को कोई शब्द नहीं होता। हमारा दिमाग तो बहुत कुछ कह रहा होता है, हमारा दिल बहुत कुछ सोच रहा होता है, मगर हमारी जुबान पे वो अल्फाज नहीं आ पाते जो हमारी इस पीड़ा को बयान कर सकते। आज का समय भी कुछ ऐसा ही है, एक संपूर्ण शक्तियों के मार्ग थे श्रीमती विष्णुता से बता। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली हर प्रकार से सपोर्ट। फिजिकली बात करो तो 83 इयर्स की एज, किसी के मौका है मेंटली बहुत शार्प सभी लोग उनसे आज लास्ट डे तक ट्राई लेने आते। मेंटली और उसके साथ साथ सोशली अपने के हर जो इंसान को मिलता है उनका अपना करते रह जाता है। स्पिरिचुअली की बात करो तो स्त्री सत्संग लंदन कैंट में है, उसके प्रधान जी लगभग 15 साल से हैं और नेचुरली माँ लक्ष्मी की गुरु कृपा और उस ऐसे को दान नहीं मिलता। इस शोक सभा में जो लोग हैं जिन्होंने उनको अच्छी तरह जाना है उस दिन उनके साथ रही हैं, कुछ पल उनके साथ रही हैं, उनकी स्वाभाविक बातें जो जिस जिस इंसान ने सुनी है वो ये बात समझ सकता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरे लिए वो अल्फाज मेरी माफ नहीं कर पाएंगे। तो उनकी इस शख्सियत को ध्यान रख सकते। आज सबरवाल फैमिली ने जिसके लिए ये मंजूर है, एथिक्स है, मोरलिटी है, वो सभी मैं बोलूँ कि माता जी की कृपा से है। अशोक जी का शांत स्वभाव, कबीर जी हर बात पे हंसी के साथ सभी को मिलना और हमारी सिस्टर किरण जी, इनके सभी में जो क्वालिटीज हैं वो जेनेटिक हैं। ये जीन्स माता जी से इनको मिले हैं और इतनी प्रशंसा इस परिवार ने जलंधर शहर में आस पास में मिली है। तो बहन बरादरी का जब प्रधान बनने की बात हुई तो दर्शन लाल सबरवाल जी को भी प्रधान बनाया गया। मेरा इस परिवार से रिश्ता 17-18 साल पुराना है। ये रिश्ता एक डॉक्टर और मरीज से जुड़ा हुआ है। मेरे पास इस फैमिली के सदस्य आने लगते हैं एज ए पेशेंट, मगर धीरे धीरे कब मैं इस परिवार का एक मेंबर बन जाता हूँ मेरे को भी मालूम नहीं पड़ता। इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना प्यार इस फैमिली से मेरे को मिलता है कि वो भी शब्दों में बयान ना होता। लगभग 7-8 साल पहले माता जी को थोड़ी सी दिक्कत हुई, मेरी बात में मैं इसी भी करता हूँ मालूम करता हूँ हार्ट की प्रॉब्लम है। उस समय हमारे पास समय का आने को लेकर पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल, हार्ट की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, दवाई चलती है, उसके बाद इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर क्या है उस समय हमारे पास ये समय, कुछ समय भी नहीं था कि हम उनको बता पा। लगभग 9:30 का समय था, मैं घर में खाना खा रहा था और टीवी में न्यूज़ चैनल लगा के देख रहा था कि देश विदेश की प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मगर खुद हमारे साथ क्या होने जा रहा है इस बात से बिल्कुल बेखबर। 9:37 मेरे फोन पे गल बजती है, मुझे देखता हूँ मैं मैच होता है श्री डी आर जी सरोवर। इस समय थोड़ा पहले से मैं फोन उठाता हूँ, इस समय अंकल कभी मेरे को फोन नहीं किया गया। फोन उठाता हूँ तो नमस्कार अंकल, ऐसा बोलता हूँ कहाँ हुआ, घर में हूँ अंकल, जल्दी आओ, क्या हुआ, शायद आपकी आंटी नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप, बिल्कुल काम करता हूँ, हाँ मेरे को लग रहा है कि आपकी आंटी से नहीं है। मैं शायद उसको उठाता हूँ, गाड़ी की चाबी उठाता हूँ, रैश ड्राइव करके घर पहुँचता हूँ और आगे रूम में देता हूँ। सभी लोग अपना अपना उपाय कर रहे हैं, कोई पाँव को मसला है, पाँव उबा रहा है, कोई पेड़ों की मालिश की जा रहा है और कोई
इसका एक बीपी के रीडिंग नोट करने की कोशिश करें। मैं पल्स के बाद रखता हूँ, पल्स नहीं, स्टेप से हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं है, सांस नहीं है, काश उगाते जब आंखों में चेक करता हूँ, मैं बोलता हूँ बिल्कुल डायलैक्ट है, मन का समझ आती है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि आप माता नहीं है, मगर मेरे पास वो भी मन नहीं कर रहा। वो कहते हैं नहीं, अंकल एक ट्राई करते हैं, हम इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मेरे को लगता है शायद मैं अच्छी तरह ना करूँ, शायद मेरे से कुछ मिस हो रहा है, अपना पेशेंट होने के कारण, अपनी माता होने के कारण, फटाफट हम उनको एसजीएल हॉस्पिटल लेने जाते हैं। तो 10 मिनट का समय कैसे 3-4 मिनट में बीत जाता है मेरे को मालूम नहीं है। उस समय हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, उनकी आईसीयू में लेकर जाते हैं, डॉक्टर लोग ईसीजी करते हैं, बाकी सभी लोग बाहर हैं, मैं हूँ, डॉक्टर्स की टीम है और माता ईसीजी करते। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर साहब मेरे को कहता है स्ट्रेट काली है, सीधी रेखा है। फिर दोबारा ऊपर पर्चा पाट देता है, नहीं ईसीजी करता है, फिर मेरी तरफ देखता है, फिर स्ट्रेट काली। मैं माता जी की तरफ देखता हूँ, उसी मैंने स्टेटमेंट की तरफ देखता हूँ, एक जैसे उनका जीवन स्टेट था, कोई बल पूरे नहीं था, ऐसी शायद वो लाइनिंग का स्टेट थी, कोई उसमें भी बल पूरे नहीं था, ये स्टेट था। दिल में पत्थर रख के अपने इमोशंस को संभालते हुए वो बताता हूँ कि माता जी सुनने में उनके पार्थिव शरीर को रह गए हम घर पहुँचते हैं। तब तक वो जो क्लोज रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको टेलीफोनिकली इतला कर दी जाती है। कुछ मिनटों में ही सुनील सग्रवाल जी और के सग्रवाल जी भी अपने प्रवास में घर पर पहुँच जाते हैं। कहने को तो उनकी ये चाची जी की बगर कभी भी माँ से बात नहीं होने नहीं समझा और माता के लिए अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार नहीं। सभी लोग लॉबी में उनका शरीर रख के वक्त से हम आस पास बैठ जाते हैं। तो मैं सोचने लगता हूँ कुछ मिनट पहले ये घर अच्छा गला था, सब कुछ ठीक था, जिन चंद मिनटों में क्या हुआ। कि सोचता हूँ ये लाइफ क्या है, ये लाइफ क्या है, क्या 5 तत्व इनका खो जाना है और इन 5 तत्वों का 5 तत्वों में फिर जाना है, ये लाइफ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रदृति, ये 5 तत्व इनका इन 5 तत्वों में मिल जाना, ये लाइफ है। क्या हमारी सेपरेशन का रुक जाना, हमारे बात का रुक जाना, हमारे ब्रेन का काम करना, ये होता है। ये तो जिंदगी क्या है, जिंदगी का डर है। इन सवालों का जो भी सवाल मैं अपने बैठा होकर सोचता रहता हूँ मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं। फिर वेदों की बातें मेरे दिमाग में होने लगती हैं, जो 4 वेदों का ऋण पे शाम पे पत्थर पे जो वेदों का साथ मेरे मन में आने लगता है कि प्राणी तो सिर्फ एक खास कार्य के लिए इस धरती पे आया है, तेरा मोक्ष प्राप्त करना भी उद्देश्य है। और फिर सोचता हूँ क्या ये मैकेनिक है, जो चीज़ें हमारे चल रही हैं, ये लाइफ है, फिर मोक्ष है। इन बातों में जीतो गरीब मेरे मन में कई चीज़ें लगती हैं, फिर कभी उपनिषद के कहानियाँ मेरे दिमाग में आती हैं, कभी पत्थर पेद की उपक क्या, मगर लगभग आधी रात के बाद मैं उठ के अपने घर जाता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, मगर नहीं मिलता। तब इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है मेरे को पता नहीं, मगर सुबह तक मेरे लिए ज्ञान हो जाता है कि डेथ को समझना भी लाइफ है। जिन्होंने डेथ को समझा है हम विश्वास करते हैं, तो हमारा पहले एक डेथ हुई, आज हमारा जो जीवन है आगे फिर डेथ होने जा रही है। इन दो डेथ्स के बीच हमारा जो जीवन है, जो डेथ को समझना चाहते हुए है लाइफ को वो नहीं समझ पाए। तो जो महाऋषि जो मुनि इन्होंने भी जीवन को समझा है, उन्होंने पहले डेथ को समझा। लगभग 12-13 साल का वो बालक सिद्धार्थ, जिसका नाम था, एक डेड बॉडी को देख के ही पीछे हुआ था, जो जिंदगी का विषय क्या है जिसका आगे जाके नाम आत्मा होता है। और कलिंगा की लड़ाई में जो लोग मरे थे अशोक प्राधान में, उन्होंने फिर डेड बॉडी को देख के किया था कि जिंदगी का विषय क्या है। तो कुछ समझाने की बात करें तो अल्फ्रेड नोबल
लेकिन आपने भगवत की सब डेथ के नाम से जाना जाएगा, मौत के सुधारों के नाम से जाना जाएगा, तभी वो नोबल पीस प्राइज का जवाब है। डायनामाइट की इजाद करने वाला, डिस्ट्रक्शन की इजाद करने वाला नोबल पीस प्राइज की करता है वो भी हो। तो हमको जो आज हम इस शोक सभा में पहुंचे हैं, मेरी सभी श्री देवतागत बीती रहेगी, हम इसको शोक सभा को एक संदेश सभा मान लेते हैं, एक ऐसा संदेश ही से लेकर जाए, इससे बड़ी हमारे लिए माता जी को श्रद्धा नहीं, एक संदेश लेकर जाए कि हमने अपने आप को समझना है, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, थोड़ा सा पीपल करना है, थोड़ा सा आत्म चिंतन करना है, जो हम खुद का खुद आपके अंदर से फिर हमको आपकी गलतियों का एहसास भी हो जाएगा, फिर हम समझ पाएंगे जो हमने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, फैमिली इतनी चोरी कर दी है, हम देख सकते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और हमारी रिलेशन स्लो हो जा रही है, हम चांद पे पहुँच गए हैं और रोज सीधे घर जाते हैं, आज भी हमको डर लग रहा है, हम मंगल ग्रह के जीवन है कि नहीं है उसकी खोज कर रहे हैं, मगर हमारे दिल में उसी समय बात है कि हमारी माता की खोज श्रद्धांजलि है जो हमें अपनी प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी कुछ संदेश मेरे पास आए हैं, शोक संदेश ऑनरेबल गवर्नमेंट मिनिस्टर ये सांप्रदी जो कि इस समय अमेरिका में है, उन्होंने टेलीफोन करके अपना भेजना प्रकट की है, इन समाचार रूप से विनीत चोपड़ा जी का संदेश हमारे पास पहुँचा है, मेंबर ऑफ इंडिया कांग्रेस कमेटी श्री जितेंद्र मिंदू जी का संदेश है, रोटरी का कांग्रेस वेस्ट के प्रधान रवि सिंह जी का हमारे को संदेश हमारे पास है, रोटरी से ही डिस्ट्रिक्ट बदली लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर मुकेश सिंह ने को कैन प्राप्ति जनरल से पाल सिंह चड्डा हमारे को जो है, श्री गुरुद्वारा प्रबंधन मंत्री प्रबंधन कैंट के प्रधान के अरविंद सिंह चड्डा जी, रजिंदर बैरी जी हमें वो हमारे लिए उपस्थित हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस क्षण जब हमको बहुत जरूरत है आपकी सहानुभूति की, आप हमारे साथ हो और जलंधर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जलंधर एलन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन इनके प्रधान राजेश जी के और अमरजीत सिंह चावला जी इनकी कंडोलेंस भी हमारे पास है और बाकी सभी लोग जो लगभग स्टेट के हमारे पास पहुँचे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत दे रही हूँ कि इस समय आप जब हमको जरूरत है आप हमारे साथ हो और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूँगा और अभी गुजारिश करूँगा कि आशा सेठी जी भी शायद उस समय ले रहे हैं। मैं उनको भी गर्व से जानते हमारे पास है।
शांति और व्यवस्था से और वो पूरी रिश्तेदारी को बड़े अच्छे से संभालती थी। शब्दों को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन वो ऐसी थी कि जो बिना बोले ही हमारी खामोशी को पहचान जाती। मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग पे अपनी थाप बजा बजा करके अपनी सूत तान लय से कुछ संगीत बजा रहा था। थोड़ी देर के बाद एक मेमना था जंगल से आकर के वो उसके पास बैठ जाता था और उसके छाप को उसकी लय को सुर तान को सुनता रहता। तब एक बार संगीतकार ने पूछा कि तुम इतने ध्यान से क्यों सुनते हो, बोले ये मेरा सुर तान संगीत बहुत अच्छा लगता है। तो वो कहने लगा कि मुझे तो सुर तार संगीत की कोई पहचान नहीं है, पर जो तुम ये मृदंग बजा रहे हो उस पर जो चमड़ा लगा हुआ है वो मेरी माँ का, जब उस पर थाप पड़ती है तो मेरे दिल में भी बड़ी थाप पड़ती है। हमारी माँ के जाने के बाद जो हमारे दिल में उनकी यादों की थापें पड़ रही हैं, मैं उसी के बारे में आपको कुछ कह रही हूँ। तो इस परिवार से
माना जाना बहुत ही बड़ा दुख का समय, जितना बाबा जी हमारे डीएल सदरवाल जी उनको बहुत कहता विसुरा महसूस हुआ है। और ये परिवार के जो बच्चे हैं, मैं देखता था कि सभी बच्चे, छोटे बच्चे और बड़े, बेटी भी माँ के भाई अशोक कुमार जी सदरवाल, संगीता सदरवाल जी, बलवीर सदरवाल जी, वीनू सदरवाल जी, भाई सुशील सदरवाल जी, सोन सदरवाल जी, राकेश सदरवाल जी, सविता सदरवाल जी, रजत, मोनिका, अभिषेक, मनिका, आशीष सदरवाल, आर्यन, पुत्रबंधु, पुत्र नितिन, मुकुल, कुणाल, पूजा, नुपुर, साक्षी और हमारे बहन श्री किरण वसीम, किरण वसीम, ये सारा परिवार का उदास बड़ा शोक में डूबा रहता था। माँ का बिछड़ा इनको अब महसूस हुआ कि माँ क्या होती है, माँ के जाने के बाद की जब पूरी चीज हमारा साथ छोड़ देती है तो उसके प्रेम की बड़ा करना उस समय पता लगता है कि कौन अब साथ छोड़ देता है। वियोग के बाद ही उस प्रेम की पराकाष्ठा सामने आती है। तो सभी बच्चे बड़े उदास, बड़े मौन रहते थे, भाई माँ का स्नेह इनके सामने बहुत था और माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। सभी का जीवन के अंदर अपना अपना इंसान है, लेकिन माता पिता एक अनमोल प्रवर है हमारे जीवन में जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। माता पिता उसी प्रकार हैं जिस प्रकार इनके वृक्ष हमें शीतलता भी प्रदान करता है, सुगंध भी प्रदान करता है, ठंडी वायु भी प्रदान करता है, सुंदर फूल भी प्रदान करता है, फल भी प्रदान करता है, उसी प्रकार जीवन में माता पिता का महत्व है। तो परम पूजनीय माता जी के लिए मैं इतने ही शब्द कहूँगा और सब परिवार सभी से मेरी प्रार्थना है माँ के लिए दो मिनट के लिए गाय जीवन का लाभ दिया जाए। कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ,
और इस जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, तो जीवन प्राप्त करने के बाद इस जीवन का लक्ष्य है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। अगर जीवन के साथ में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो जीवन प्रदान हो जाता है। वो निशान
मिट्टी ने एक्टिव हो गया है।